हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले सनी का एक्सावेटर है जो ST140C है। तो इसको हम थोड़ा फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं चारों तरफ से इसको दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगा इसका सारा फंक्शन के बारे में, कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, कौन फंक्शन किस काम आता है, और लीवर के बारे में, पूरा केबिन में जितना भी फंक्शन है उसके बारे में सब डिटेल में आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक चार्ट। चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या नाम है। ऊपर सबसे पहले देखिए हाइड्रोलिक स्टिक सिलेंडर, ये वाला स्टिक होता है आगे वाला। उसके बाद से अपना देखिए हाइड्रोलिक बॉकेट सिलेंडर, लिंकेज और बॉकेट, और यहाँ पे देखिए स्टिक जो आगे होता है, स्टिक होता है उसके बीच में जो इंजन से जुड़ा रहता है उसको बूम बोलते हैं, केबिन इंजन। इंजन यहाँ पे है, मिनी कंट्रोल वाल्व है यहाँ पे, हाइड्रोलिक पंप है यहाँ पे, और स्विंग ड्राइव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज़ का नाम, ताकि ये पहले आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब लीवर के बारे में मैं बताऊँ आपको तो वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इस साइड दूसरे साइड में चलते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कुछ मॉडल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, SY140C9S, ठीक है, सनी। तो सनी का ये एक्सावेटर है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हमारा केबिन है। उसके बाद से हम चलेंगे थोड़ा इंजन की तरफ। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहले आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे हमारा कूलिंग वाटर, मतलब कूलिंग का है इंजन, कूलिंग का रेडी वाटर है, और ये हमारा एसी का कूलिंग का है। ये हमारा जो है एक बॉक्स जैसा छोटा सा, ये हमारा वाइपर पे जो पानी मारता है उसका पानी यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हमारा जो है, ये हमारा एसी का है जो कूलिंग करता है उसके लिए है, और उसके पीछे में जो है वो हमारा रेडी वाटर का है कूलिंग करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे साइड में, तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे है। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन पंप होता है हाइड्रोलिक का मेन पंप वो है यहाँ पे, और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं ये हमारा ऊपर में यहाँ पे, ये पहले देख लीजिए आप, ये हाइड्रोलिक का पंप मेन पंप है। उसके बाद से ये साइड में देख लीजिए हमारा ये जो है डीजल का फिल्टर है, दो ठो यहाँ पे डीजल फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद से दूसरे साइड में दिखाता हूँ आपको, ये भी हमारा डीजल फिल्टर है जो कि वाटर सेपरेटर का काम करता है। अगर वाटर आ जाता है पानी वानी तो यहाँ से नीचे से खोल के पानी को निकाल दिया जाता है, और यहाँ पे लगा हुआ सब कुछ यहाँ पे दिखा सकते हैं। और फिर से आपको हम दूसरे साइड में चलेंगे दिखाने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में भी एक हाइड्रोलिक का फिल्टर है छोटा सा। उसके बाद से चलिए हम दिखाते हैं दूसरे साइड से आपको। यहाँ पे हम चढ़ेंगे ऊपर, ऊपर में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से चढ़ के जाते हैं ऊपर। उसके बाद से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए हमारा हाइड्रोलिक टंकी, और यहाँ पे ये डीजल का टंकी है। स्टिक और बूम का हाइड्रोलिक कंट्रोलर जो होता है उसका है यहाँ पे कंट्रोलर। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो बूम है, और बूम के बाद जो लगा रहता है उसको स्टिक बोलते हैं, उसके बाद से बॉकेट रहता है। चलिए हम दिखाते हैं आपको इंजन, और इंजन को दिखाने से पहले यहाँ पे बोनट को हमको ओपन करना होगा। चाबी से ओपन कर दिया हमने। ओपन करने के बाद से आपको इंजन को मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इंजन, इसका चार सिलेंडर का इंजन है, सनी का जो है इंजन है, चार सिलेंडर का इंजन है। और यहाँ पे हमारा सेल्फ मोटर लगा हुआ है, और दूसरे साइड में ये अल्टरनेटर है जो बैटरी को चार्ज करने के काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ आपका जो इंजन ऑयल चेक करने का गेज होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इंजन ऑयल गेज है। और चलिए यहाँ पे दूसरे साइड में आपको दिखाता हूँ, बड़का बड़का ड्रम लगा हुआ है रेडी वाटर फैन लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं कूलिंग जो कूलिंग डलाता है यहाँ पे वो ऊपर में डालने का है, और यहाँ पे गेज है साइड में, और ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं ये कैप है जहाँ पे जहाँ से हमको इंजन ऑयल डालना होता है सर्विस के टाइम। और ये साइड में हमारा कीकर है जो कभी कभी एयर ले लेता है, उसको दबाने से हमारा एयर निकल जाता है, ठीक है। और उसके बाद से मैं आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से एक बार देख लीजिए अच्छे से, और जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और एक और डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर चलेंगे हम दूसरे साइड में, उसके बाद मैं आपको दूसरे साइड में दिखाएंगे। और इसको हम चलिए अब इसको हम बंद कर देते हैं, उसके बाद से चलते हैं हम इंजन की तरफ। इंजन में चलेंगे, आपको बताएंगे जो भी लीवर और जो भी फंक्शन है उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले गेट को ओपन कर लेते हैं, गेट ओपन हो चुका है। सबसे पहले ऊपर चढ़ने से पहले ही आपको दिखाता हूँ, ये जो है हाइड्रोलिक को बंद करने का काम आता है, मतलब हाइड्रोलिक का जो भी फंक्शन है इसको ये नीचे की तरफ रहेगा, लॉक रहेगा, कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, ऊपर करने के बाद काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लीवर है, और ये हमारा पैडल है, ठीक है। उसके बाद से हम ऑपरेटर से बात करेंगे, उसके बाद से हम बताएंगे आपको कि किस लीवर में किसका कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चाबी है,
चाबी लगा हुआ है, चाबी स्टार्ट कर सकते। साइड में उसका वाइपर का और लाइट का स्विच सब है वहाँ पे, ठीक है। चलिए हम ऑपरेटर को बुलाते हैं और उससे पूछेंगे, सारा जानकारी लेंगे। और यहाँ पे डिस्प्ले लगा रहता है, डिस्प्ले में सारा जानकारी मतलब वहाँ पे दिखाता है कहाँ पे क्या है। और यह पीछे में देख लीजिए, और ये ऊपर में स्पीकर लगा हुआ है। यहाँ पे एक कोई लॉक का है, गेट लॉक का होगा। और यहाँ पे कुछ मैनुअल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे दिखाया रहता। चलिए ऑपरेटर साहब हम आ गए हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा लीवर है जो कि मार्चिंग करने काम आता है, या फिर बोल सकते हैं आगे या पीछे ले जाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दो यहाँ पे लीवर दिया हुआ रहता है, जो जो कि दो ट्रैक होता है, दोनों ट्रैक का अलग अलग दिया रहता है, ताकि इसी में से कटिंग भी कर सकते हैं। पीछे करेंगे पीछे जाएगा, और आगे करेंगे यहाँ पे पीछे दबा करेंगे तो पीछे की तरफ मार्चिंग होगा, यानी पीछे की तरफ जाएगा, और आगे की तरफ दबाएंगे तो आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। और इसको कटिंग करने के लिए, जैसे घुमाने के लिए, एक को दबा कर रखेंगे और दूसरे को मतलब नहीं दबाएंगे तो दूसरे तरफ कटिंग होगा, दूसरे को दबाएंगे और फर्स्ट वाला को छोड़ेंगे तो इधर की तरफ से कटिंग होगा, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही है। और यहाँ पे हमारा लीवर है, हर लीवर में चार फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट लीवर में है जो कि यहाँ पे इस साइड में करेंगे, राइट साइड में करेंगे तो राइट साइड में हमारा स्विंग होगा, लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड स्विंग होगा। और उसके बाद से और स्टिक है जो कि स्टिक का है, आगे की तरफ करेंगे तो स्टिक हमारा ओपन होगा, और पीछे की तरफ से करेंगे लीवर को तो हमारा स्टिक बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरे साइड में अभी लीवर है, उसमें भी चार फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा बूम का है, बूम को अगर अप करना होगा तो पीछे की तरफ लेंगे तो बूम अप होगा, और आगे की तरफ करेंगे तो बूम हमारा डाउन होगा। और दूसरे साइड में बॉकेट का है, एक साइड में करेंगे हमारा तो बॉकेट खुलेगा, और दूसरे साइड में करेंगे तो बॉकेट हमारा मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यही है फंक्शन, चार हर दो लेवर में चार चार फंक्शन है। और ये हमारा जो कि हाइड्रोलिक लॉक करने के लिए नीचे रहता है, तो हमारा हाइड्रोलिक लॉक रहता है, कोई भी फंक्शन काम नहीं करता है। इसको हम अगर ऑपरेट करना होगा मशीन को तो इसको हम ऐसे ऊपर करना होता है, तभी हमारा हाइड्रोलिक जो कि काम करता है, नहीं तो नीचे करने के बाद से हमारा हाइड्रोलिक बंद हो जाता है, कोई भी हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा, कोई भी कितना भी लीवर करेंगे तो दबाएंगे तो। और यहाँ पे सामने में हमारा डिस्प्ले दिया हुआ है, तो डिस्प्ले में के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चाबी को लगा देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं ताकि डिस्प्ले में दिखाई देने लगे। तो आगे जो भी बात बताएंगे हमारे ऑपरेटर साहब डिस्प्ले के बारे में बताएंगे। कछुआ है यानी स्लो मार्चिंग, ठीक है। अब इसको फास्ट करना है तो ये स्विच को पुश कर देंगे तो ये खरगोश का चित्र आ गया, तो समझिए कि आपका मार्चिंग फास्ट हो गया। अभी इसको स्लो ही रखते हैं, यानी अपने को फास्ट काम नहीं करना, नहीं करना। ये है ऑटोमेटिक सिस्टम, जो इंजन ऑटोमेटिक रेस में हो जाएगा। आप लीजर लीवर को थोड़ा सा भी पुश कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो फास्ट हो जाएगा, रेस हो जाएगा। रेस छेड़खानी करने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक पे है। ऑटोमेटिक अभी बंद कर सकते हो और चालू कर सकते हो, इसी स्विच से होगा, ऑटो और मैनुअल। हाँ, और इसमें भी है मार्चिंग ज़्यादा हाई करना है, सॉरी वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक फास्ट करना है तो यहाँ से होगा, ये स्लो में है। ये यानी ज़्यादा हाई में हो गया, फास्ट लो। हाँ, यानी फास्ट फंक्शन काम करेगा, काम करेगा। हाँ, ये हो गया सेटिंग करने का, पूरा फंक्शन का सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसका साइड वाला ये हो गया, ये जो राइट अपना कोई फंक्शन देख रहे हैं उसको कैंसिल करने, इंटर करने के, हाँ रिटर्न, हाँ इंटर करने के, बस इतना ही। ये है डीजल का पॉइंट, ये है टेम्परेचर मीटर, इसमें ये बैटरी भी मीटर दे रखा है, ठीक है। ये हो गया घंटा, हो गया ये मिनट, हो गया आवर्स मीटर, हाँ हॉर्स मीटर है। मशीन कितना हॉर्स चला, कितना मिली, ये आपको बताया। ये रेस मीटर है, कितना स्पीड है वो यहाँ से कम स्लो कर सकते हैं, देखिए कम स्लो हो रहा है, ठीक है। ओके, हो गया। बाकी ये सब एसी का फंक्शन है, बाकी यहाँ टेप का दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम कर सकते, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।